हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग आ चुके हैं आईपीएल का एल क्लासिको मैच देखने, यानी कि मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। आज का मैच कहां पे होने वाला है कुछ ही देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। स्टेडियम में फैंस खचाखच भरे हुए, आज का मैच हो रहा है वानखेड़े स्टेडियम में। यह है दोनों टीम के प्लेइंग 11 आपके स्क्रीन के ऊपर। मेल जोन्स एंड द वन एंड ओनली एली मिचेल। इट्स ग्रेट टू बी हियर फॉर दिस मैच। आई एम श्योर वी विल बी ट्रीटेड। पिच आपको यहां पे दिख रहा है, कुछ खास पिच नहीं है, ड्राई नजर आ रहा है, थोड़े ग्रास ज्यादा नहीं है। बहुत सारे फैंस स्टेडियम में, बहुत सारे फैंस। दोनों कैप्टन टॉस के लिए रेडी हैं। रोहित शर्मा ने टॉस कर दिया है। कैप्टन हम लोग चेंज करना भूल गए हैं, कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। मुंबई ने टॉस को जीत लिया है। विंड स्पीड आज कुछ ज़्यादा है, 13 किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड चल रहा है, तो स्विंग अच्छा देखने को मिलेगा। मुंबई ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया है। रोहित शर्मा एंड ईशान किशन दोनों आएंगे बैटिंग में। रोहित शर्मा रहेंगे स्ट्राइक पे। प्रतिराना आए हैं बॉलिंग में। ये मलिंगा जैसे स्टाइल में बॉल करते हैं, देखते हैं पहले बॉल में क्या करते हैं। डायरेक्ट विकेट पे बॉल था, उसको लगा दिया है चौके के बगल। पहले ही बॉल में अपना खाता खोला चौके के साथ रोहित शर्मा, बेहतरीन बैट्समैन। ये इकलौते ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने ओडीआई में 200 रन किए हैं, 200 से ज़्यादा ही रन्स किए हैं, और उस मैच में वो नॉट आउट थे, तो एक बहुत बड़ी बात है इंडियन बैट्समैन के लिए। आजकल उनका फॉर्म कुछ अच्छा नहीं चल रहा, पर फिर भी कोशिश करेंगे उन्हें टीम को जिताने। आज संडे है, संडे का दूसरा मैच हम लोग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेकंड बॉल पर फील्डर के हाथों में। ईशान किशन अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनके बल्ले से भी कुछ बड़ा शॉट अभी तक देखने को नहीं मिला है। जितने भी मैच उन्होंने खेला है, हाफ सेंचुरी कुछ खास नहीं बना था। तिलक वर्मा अच्छा खेलते हैं। परिणा का तीसरा बॉल घुमा के खेला है, लिया है एक रन। ये क्या हो गया, बहुत ही मतलब बेकार फील्डिंग किया है चेन्नई के फील्डर ने। ये बॉल रोका जा सकता था, अगर थोड़ा सा भी झुक जाते तो बॉल को रोक सकते थे, डाइव लगा सकते थे, पर किया नहीं वैसा, और लूज किया अपने टीम के लिए 4 रन। दोनों ही टीम के मर्चेंडाइज आप लोगों को मिल जाएंगे ड्यू प्रोडक्ट्स में, जाके खरीद सकते हैं, बस 7 दिन पहले ऑर्डर करना, विदेश से इम्पोर्ट होके आता है। थके खेल दिया है, मिलेगा 4 बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं रोहित शर्मा। 4 बॉल में 3 चौके लगा चुके हैं, बेहतरीन शॉट्स। अच्छे फॉर्म में अगर रोहित शर्मा इस आईपीएल में रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओडीआई में भी अच्छे फॉर्म में खेलेंगे, इंडिया टीम को जिताएंगे। पथिराना महंगा साबित हो रहे हैं चेन्नई की टीम के लिए। 5वां बॉल कनेक्शन अच्छा नहीं बन पाया, कोई रन नहीं। अंपायर ने नकार दिया, अपील किया था। इस ओवर के आखिरी गेंद कवर ड्राइव की तरफ लगाया, पर कोई रन नहीं। नो बॉल का इशारा एंड एक फ्री हिट, बड़े शॉट्स आ सकते हैं। Didn't keep the foot behind the line. स्ट्राइक में रोहित शर्मा है, फ्री हिट मिला है, मनीषा पथिराना बॉल कर रहे हैं, शायद एक सिक्स भी आ सकता है। एज शॉट लगा है पर फील्डर मौजूद थे, लिया है सिर्फ एक रन। 14 runs out of there, Mumbai 14 for none. पहला ओवर खत्म होने के बाद मुंबई इंडियंस ने बना लिया 14 रन बिना किसी नुकसान के। रविंद्र जडेजा आए हैं चेन्नई की तरफ से स्पिन डालने। स्ट्राइक में अभी रोहित शर्मा, उठा के खेला है, फील्डर मौजूद है, लिया है कैच, बेहतरीन कैच, बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट। रोहित शर्मा बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे थे, अपने टीम के लिए रन बटोर रहे थे, आते ही जडेजा ने उनको उठा लिया है। बड़ा कैच, अच्छा फील्डिंग, अच्छा फील्डर प्लेसमेंट, बिल्कुल वहां पे खड़े थे और आते ही बॉल को लपक लिया है। जडेजा बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं, चेन्नई की टीम खुश नज़र आ रही है, रोहित शर्मा खुश नहीं है।
अगर थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगा खेलते। रोहित शर्मा 8 बॉल में 13 रन बना के वापस जा रहे हैं पवेलियन की तरफ। 3 चौका लगा इन 8 बॉल में इन्होंने। सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं, इनका नाम हम लोग स्काई से जानते हैं, पर ओडीआई में उन्होंने बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस किया था, पर इस बार फॉर्म में आ रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। स्काई के पहले ही बॉल में उठा के खेल दिया है, बेहतरीन शॉट, बड़ा शॉट, क्या हुआ पे यहाँ पे, छक्का या फिर चौका, चौका मिला है यहाँ पे, बेहतरीन शॉट। स्काई ने आते ही अपना खाता खोला 4 रन के साथ। That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. 13.5 का स्ट्रन रेट चल रहा है, बहुत तेजी से रन बटोर रहे हैं मुंबई की टीम। ये एक एज शॉट पर फील्डर मौजूद, इनसाइड एज शॉट लगा था। इनसाइड एज शॉट बैट्समैन के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जो बॉल विकेट से बाहर रहता है वो भी विकेट की तरफ आ जाता है। But no reward, but putting pressure on the batter. जडेजा काफी किफायती साबित हो रहे हैं अपने टीम के लिए। चौथा बॉल, ये पैड्स पे अटक गया है बॉल, अपील किया है आउट का पर अंपायर ने नकार दिया। जडेजा बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है, अच्छा है, बॉलिंग करते हैं। इस बार डायरेक्ट बॉल था, उसको कवर ड्राइव शॉट खेलने का कोशिश, पर फील्डर मौजूद। अब आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर इस इनिंग्स के आखिरी गेंद। के खेला है फ्रंट फुट में आके, मिला है 6 रन। इनिंग्स का पहला छक्का है इनिंग्स के आखिरी गेंद में, बेहतरीन सिक्सर। सूर्य कुमार यादव के बैट से बेहतरीन शॉट। And that's the end of the innings. सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन वापस जा रहे हैं पवेलियन की तरफ। ईशान किशन को हालांकि इस मैच में सिर्फ एक बॉल खेलने को मिला है, एक बॉल भी नहीं मिला है ईशान किशन को खेलना, और यहां पे सूर्य कुमार यादव ने 5 बॉल में 10 रन बनाए हैं। मुंबई इंडियंस ने टोटल 24 रन बनाए हैं एक विकेट के नुकसान पर। चेन्नई सुपर किंग्स को आना है 25 रन बनाना है सिर्फ 12 बॉल में। डेवन कॉनवे आ रहे स्ट्राइक में, जेसन बैरन ड्रॉप आए हैं मुंबई की तरफ से बॉल डालने, ओवरसीज प्लेयर है, बेहतरीन प्लेयर है। एम एस धोनी नॉन स्ट्राइक पर, कमिंग इन फॉर द फर्स्ट बॉल, इनिंग्स का पहला बॉल, नाइस शॉट, कट अवे, रनिंग टुवर्ड्स, अच्छा कवर ड्राइव खेला है, मिला है 4 रन। डेवन कॉनवे ने अपना खाता खोला सिर्फ 1 रन के साथ, 2 रन के साथ। ये 4 हो सकता था, 4 हो रहा था, पर कहां से फील्डर आ गया और बॉल को रोक लिया। मुंबई के चेन्नई के प्लान में पानी फेर दिया। सेकंड बॉल को कॉनवे ने घुमा के खेला है, इस बार फील्डर मौजूद दूर है, रोक नहीं पाए बॉल, मिला है 4 रन। Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control. रोकने का कोशिश किया था पर डेवन कॉनवे ने उसको घुमा के खेला, मिला है 4 रन। फील्डिंग में परिवर्तन, always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. बार ड्रॉप के 2 बॉल में 6 रन आ चुके हैं। तीसरा बॉल, nice shot, straight back to the bowler. हल्का शॉट खेला है, कोई रन नहीं बनेगा। वीडियो पसंद आ रहा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चौथा बॉल, nice shot, उठा के खेलने का कोशिश था पर यहां पे विकेट गवा बैठे। Great take by Gully. What a fantastic bit of fielding. The bowler is ecstatic. Devon Conway को जाना पड़ेगा, बहुत ही बेहतरीन डाइव लेकर कैच किया यहाँ पे मुंबई के फील्डर ने। बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन बॉलिंग, खराब बैटिंग। What a crucial breakthrough this is. Devon Conway 4 बॉल में 6 रन बनाकर वापस जा रहे हैं। इन्होंने इन 4 बॉल में एक चौका लगाया था,
coming to the wicket. They'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. बैरन ट्रॉक के पारी में चार बॉल में छह रन बने हैं, एक विकेट गया है। उठाकर खेल दिया है। You just can't hit it any better than that. मिलेगा चार। Beautiful shot, no chance at all for the fielders. आते ही डैरिल मिचेल ने बहुत ही बेहतरीन चौका लगाया, अपना खाता खोला चार रन के साथ। बिल्कुल बाउंड्री के आगे गिरा था, ये सिक्स दिया जा सकता था, बाकी अंपायर का फैसला चूड़ांत फैसला होता है, उनके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकता है। ओवर के आखिरी गेंद, अच्छा शॉट लगा है, मिलेगा चार। डैरिल मिचेल ने आते ही बैक टू बैक दो चौके लगा दिए हैं। टारगेट को बहुत ही तेजी से चेस कर रहे हैं, मुंबई के लिए डिफेंड करना मुश्किल होता जा रहा है। Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Performance gets onto the front foot early, well timed, and four runs. पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बॉल अच्छे लेंथ में गिरा था, गुड लेंथ में बॉल आया था। Great opportunity to prove the Mahendra Singh Dhoni strike में आ चुके हैं। Build innings for the team. Pandya handed the ball for the final over. Hardik Pandya bowling पे, खुद कैप्टन आया बॉल डालने। Current run rate 14 का है, required run rate 11 ही, यानी कि एक ओवर में 11 रन चाहिए। Big edge. Edge shot. कितना रन मिला है? चार रन मिला है। बॉल बहुत ऊंचा गया था और मिला है बैक साइड पे चार रन। पहले ही बॉल में चार रन लगा दिया है, सिर्फ सात रन बाकी है, बाकी के पांच बॉल में सात रन बनाने पड़ेंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने चौके के साथ अपना खाता खोला, ये कवर ड्राइव शॉट खेला पर रन नहीं। चार बॉल में सात रन, सो क्रूशियल, यू गॉट टू फॉलो अप दैट लास्ट डिलीवरी एंड कीप द बैटर अंडर प्रेशर। काफी रोमांचकर गेम हो रहा है, इसको घुमा के खेला है, मिला है चार रन। The short ball's picked up early here, not the best delivery. तीसरे बॉल में फिर से चौका लगा दिया है धोनी ने। रोहित शर्मा आइडिया दे रहे हैं हार्दिक पांड्या को, हालांकि ये अभी कैप्टन नहीं है पर एक्सपीरियंस इनके पास बहुत है। Sometimes though, you just got to accept it. तीन बॉल में तीन रन चाहिए। स्ट्राइक में धोनी। धोनी आगे खेला है और खत्म किया। दूसरे ओवर के चौथे बॉल में चौके के साथ मैच को जीत लिया है महेंद्र सिंह धोनी एंड चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने। 9 विकेट से इस मैच को जीता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के मैन ऑफ द मैच है महेंद्र सिंह धोनी, मैं आपसे मिलता हूँ कल के वीडियो में।